ऐसा कहा जाता है कि जब भी इंसान का जन्म होता है तो क्या उसके जन्म के बाद होने वाला है, क्या सौभाग्य की क्या दुर्भाग्य की उसे प्राप्ति होने वाली है, क्या संकट उसे घेरने वाले हैं, किन समस्याओं से वह गुजरेगा और कैसे समस्याओं से निकल सकता है, सारी चीजें अपने हाथ में ही लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस प्रकार का तर्क भी देते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं तो क्या उनका भविष्य नहीं होता है। तो आपको बता दें, भविष्य तो उनका भी होता है, लेकिन हाथों की रेखा इस प्रकार से कार्य करती है कि जिस प्रकार आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, यानी कि आपका चेहरा लग कैसे रहा है, आने वाले जीवन में कैसी संभावनाएं होने वाली हैं, झुर्रियां पड़ने वाली हैं या नहीं पड़ने वाली हैं, और शीशे में देखकर आप सतर्क हो सकें कि अब आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई हैं तो क्या क्या सतर्क होने की आपको आवश्यकता है और अपने चेहरे पर किस प्रकार आपको ख्याल रखना है। तो इस प्रकार जैसे आईना कार्य करता है, इंसान अपने आप को देख लेता है, उसी प्रकार हाथ की जो रेखाएं होती हैं ये भी इसी प्रकार कार्य करती हैं कि हाथ में जो होता है उसके माध्यम से जाना जा सकता है कि इंसान कितना सौभाग्यशाली है, क्या उसके जीवन में दुर्भाग्य है या किस प्रकार के संकट उसे घेरने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार जो लोग ये तर्क देते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं क्या उनका भविष्य नहीं होता है, तो जो लोग आईना नहीं देखते हैं, चेहरा तो उनका भी होता है लेकिन उनका चेहरा कैसा दिखता है वो इस चीज को नहीं देख पाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ऐसी बनाई हुई और उनके द्वारा खोजी हुई विद्याएं हैं जिनके माध्यम से इंसान अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को जान सकता है और सतर्क होकर उन्हें ठीक भी कर सकता है और उनसे बच भी सकता है। और आपको ये भी बता दें कि हाथों की जो रेखाएं होती हैं वो भी इंसान के कर्मों के अनुसार अपना आकार बदल लेती हैं। अगर आप रोज अपने हाथों को देखते हैं तो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी होंगे और अनुभव कर भी चुके होंगे कि आपके जो हाथों की रेखाएं हैं वे बचपन में या कुछ सालों पहले उनकी आकृति कुछ और प्रकार की थी और आज की डेट में कुछ और प्रकार की है। तो ये जो आकृति है ये इंसान के हाथों में जो आकृति लाइन्स बनती है ये उसके कर्मों के अनुसार बदल जाती है। और हाथों का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण खास योगदान होता है कि इतना किसी भी चीज का नहीं होता है, बल्कि इंसान के जो संपूर्ण सात चक्र होते हैं वो भी उसके हाथ में ही वास करते हैं, बल्कि एक्यूप्रेशर में भी हाथों के माध्यम से ही बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इंसान की जितनी नाड़ियां हैं, जितने उसके शरीर में पॉइंट है वो भी हाथों में ही उसके वास करते हैं। तो किस प्रकार अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलना है इस वीडियो में आप जान लें, यह जानकारी बड़ी ही ज्यादा खास है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आते हैं और परेशानी जगह जगह से घेरती है, दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो आप एक नियम बना लें कि आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दें। ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की सेवा करी जाती है तो बड़े से बड़ा संकट भी, बड़े से बड़ी बीमारी भी और बड़े से बड़ा शत्रु भी तुरंत दूर होता है। सेवा करने के लिए आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, उनको रुपया पैसा देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बस सेवा करने के लिए सिंदूर का चोला अपने घर से चमेली का तेल मिलाकर उसमें लेकर जाएं और हनुमान जी के पूरे शरीर पर रगड़ते हुए अपने दोनों हाथों से इस प्रकार रगड़ना है कि आपके हाथों में घर्षण उत्पन्न हो, जिससे गरम गरम जब आपको लगता है तो इससे घर्षण उत्पन्न होता है और हनुमान जी की मूर्ति से आपके हाथों द्वारा हाथों में शक्तियां जाने लग जाती हैं। जो परेशानी, जो संकट या जो शत्रु आपको परेशान कर रहे होते हैं वो बहुत तेजी से दूर होते हैं। और इस चीज को आप ये भी देख सकते हैं कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं या हनुमान जी के मंदिर में पुजारी आदि वगैरह होते हैं वो नित्य प्रतिदिन इस क्रिया को करते हैं। और इस चीज को आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार एक बालक को, जिस प्रकार एक शरीर को एक पहलवान अपने शरीर को रगड़ता है, तेल से रगड़ता है, उसी प्रकार हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर के चोले से रगड़ा जाता है, जिससे हाथों में घर्षण उत्पन्न हो सके और सातों चक्रों पर इसका प्रभाव पड़ सके। बस इतनी छोटी सी क्रिया को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे साक्षात भगवान हनुमान मदद करने लग जाते हैं और हर एक चीज में उसकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर शिवलिंग पर भी दूध, दही, शहद आदि हाथों से रगड़ रगड़ के मला जाता है तो बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बल्कि इस चीज को आप ये भी देख सकते हैं कि शिवरात्रि पर काफी लोग शिवलिंग पर चीजें डाल के शिवलिंग पर अपने हाथों से रगड़ते हैं, तो यह वही क्रिया है जो इस वीडियो में आपको बताई जा रही है। जब भी आपके जीवन में दुर्भाग्य हो, धन की परेशानी हो,
तो उसके लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो उसके लिए आपको दही भगवान शिव पर शिवलिंग पर रगड़नी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा अधिक आता है और कई माता पिता ऐसे होते हैं जो इसी बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, कैसे वह ठीक रह पाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर वह लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शायद अपने हाथों में लेकर शिवलिंग पर रोजाना रगड़ते हैं या केवल सोमवार पर ही ऐसा कर देते हैं, तो जितना उनके अंदर क्रोध भरा हुआ होता है वह तुरंत नष्ट होने लग जाता है। अगर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए भी शिवलिंग पर अपने हाथों को रगड़ा जाता है, हथेलियों को रगड़ा जाता है, तो इससे भी बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो घर्षण उत्पन्न आपके हाथों से होता है वो आपके दुर्भाग्य को नष्ट करता है। तो जितना ज़्यादा घर्षण आप करते हैं, जितना ज़्यादा रगड़ते हैं, उतने ही दुर्भाग्य, उतने ही पापकर्म जल कर राख होते हैं। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो अपने घर से पंचामृत बनाकर लेकर जाया करें। अगर गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है, केवल सोमवार के दिन ही अगर इन क्रियाओं को कर लिया जाता है तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। और जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, सभी केवल भगवान शिव की भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती हैं। तो हर प्रकार की सहायता अदृश्य शक्तियों से प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की सेवा अमोघ और रामबाण बताई गई है। बल्कि स्वयं भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले शिवलिंग की ही पूजा करी थी रामेश्वरम में। बल्कि पहले के जमाने में जितने भी योद्धा होते थे, राजा होते थे, युद्ध पर जाने से पहले शिवलिंग पर साधना करते थे, शिवलिंग पर ध्यान लगाते थे और भगवान शिव से सहायता प्राप्त करते थे, जिससे उनके कुल की रक्षा हो सके, उनके परिवार की रक्षा हो सके, उनके राज्य की सुरक्षा हो सके। क्योंकि इस संसार में जितनी भी अदृश्य शक्तियां वास करती हैं या कार्यशील हैं, सभी तो केवल भगवान शिव की ही भक्त होती हैं, जिससे उस व्यक्ति को हर प्रकार से सहायता प्राप्त होती थी और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता था। कुछ समय ऐसा भी बिताया करें कि शिवलिंग के पास बैठा करें। शिवलिंग पर अगर मक्खन लगाया जाता है और उसी से रगड़ा जाता है तो इससे धन प्राप्ति के ऐसे योग उस व्यक्ति के जीवन में बनने लग जाते हैं, जैसे नौकरी अगर वह व्यक्ति कहीं पर कर रहा होता है तो उसके प्रमोशन के योग बनते हैं, अच्छी नौकरी की उसे प्राप्ति होती है और उसका व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, व्यापार में कुछ ना कुछ बंद सा लगा रहता है, तो बस इस क्रिया को करना शुरू करें अपने हाथों से बिल्कुल रगड़ रगड़ के। जैसे हमने आपको बताया है, घर्षण उत्पन्न अवश्य होना चाहिए, आपको अपने हाथों में गर्मी महसूस होनी चाहिए। आपको ऐसे ऊपरी मन से बिल्कुल भी नहीं करना है कि डाल के थोड़ा सा आपने रगड़ा और बस हो गया, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सच्चे मन से आपको इस प्रकार करना है कि आपके, क्योंकि आपको अपने दुर्भाग्य को जलाना है तो इन चीजों को करना बेहद आवश्यक है। तो धन की जितनी समस्याएं होती हैं, अगर धन का फ्लो आपके जीवन में नहीं बनता है तो मक्खन से अगर शिवलिंग पर रगड़ा जाता है या फिर मक्खन के स्थान पर अगर घी से रगड़ा जाता है तो इससे तुरंत अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। खासकर कि जिन लोगों के ऊपर शनि ग्रह के महादशा चल रही होती है, शनि ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं, राहु और केतु के दुष्प्रभाव होते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि जैसे भ्रष्ट सी हो गई हो, क्या वह कर रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं रहता है और खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो इस क्रिया को करना बस शुरू कर दें। यह कुछ ऐसी चीजें हैं कि इससे सीधा प्रभाव आपके शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, आपके ओरा जो होता है, उन पर पड़ता है और इसी से आपका भाग्य बदलने लग जाता है, दुर्भाग्य जलकर राख हो जाता है, सौभाग्य में वह परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।